एक क्वेश्चन और लेते हैं। तेजस हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूरत से। तेजस बताइए, क्या मदद करें आपकी? सर मैंने अभी रिसेंटली कॉलगेट के सेल लिए हुए 55 सर। तेजस अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद करिए वरना आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो वो अभी सर क्या 6 महीने के लिए मैं होल्ड पे रखना चाहता हूँ। 1540 पे 55 शेयर कॉलगेट पामोलिव के। हाँ सरवेन जी, कॉलगेट पामोलिव एफएमसीजी की स्टोरी अभी पिछले साल तो नहीं बहुत अच्छी रही, अब धीरे धीरे संकेत मिल रहे हैं शायद ग्रो करेगी, क्या लगता है चार्ट पे? देखिए अपनी स्पेस में बढ़िया करेक्शन इसमें इस पूरी स्पेस में आई थिंक उन स्टॉक्स में है जहां करेक्शन मल्टी क्वार्टर मल्टी मंथ चल रहे हैं और कुछ हद तक आई थिंक कुछ डिग्री तक आई थिंक परसेंटेज वाइज एक अच्छा 20-21% का करेक्शन भी यहाँ पे हो चुका है। तो थॉट ये है कि करेक्शन में उन्होंने लिया है तो कोई बहुत गलत ट्रेड नहीं है ओवरऑल मार्केट के साथ, बट आई थिंक मार्केट में थोड़ी जो नरमी है उसके हिसाब से एक बार 1420-1430 नीचे में दिखा सकता है, तो अगर उतना रिस्क ये लेके खड़े रह सकते हैं तो आई थिंक इट्स अ होल्ड। 1400 के स्टॉप लॉस से ये होल्ड है स्टॉक। 1400 के स्टॉप लॉस से ये होल्ड है, क्वालिटी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, होल्ड करके रख सकते हैं यहाँ पे। सरवेंद आज थोड़ा छोटा ही रखते हैं शो, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। कई लोग अपने सवाल पूछे, ट्विटर पे एक सवाल पूछे कि इंफोसिस के रिजल्ट आ जाने हैं शाम को, क्या नतीजों से पहले आइदर साइड का ट्रेड बनता है क्या आज चार्ट को देख करके? नहीं, मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि हमेशा अवॉइड करें। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई रिजल्ट के आसपास अवॉइड करें और करना है तो ऑप्शन के थ्रू करें, वही मेरे हिसाब से सही तरीका रहेगा। आज के लिए अवॉइड करें अगर हो सके तो। हो सके कि आपने कह दिया तो करना ही पड़ेगा, लेकिन लोग एडवेंचरस होते हैं, उनको लगता है कि इवेंट है तो उससे पहले किसी भी तरीके का कोई एक ट्रेड अगर बने तो वो लोग इस पर करना चाहते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज 2-3 दिनों से बढ़िया प्रदर्शन दिखा रही थी लेकिन अब वो लाल रंग में है, IOC भी, BPC भी, HPC भी, जिसमें कि HPCL में सबसे ज़्यादा गिरावट है करीब 2.5% की और IOC में भी। प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ पे, मुनाफा वसूल करें? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अगर किसी को पैसा आ रहा है और डेफिनेटली उसको लगता है कि पैसा लेना है, ऑफ द टेबल लेना है, तो बिल्कुल प्रॉफिट टेकिंग में तो मैं कहता हूँ कि कभी भी कोई हर्जा नहीं है। पैसा जो आया आपके घर में बेच के वही कमाई है और बाकी तो सब चर्चाएं और बुक प्रॉफिट ही रह जाते हैं। तो अगर पैसा लेना है तो डेफिनेटली ओवरऑल बाजार वीक है, बेचेंगे तो दोबारा नीचे में डेफिनेटली लेने मिल सकता है, तो यस प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो कर सकते हैं। शॉर्ट्स एडवाइजेबल नहीं है स्पेस में, प्रॉफिट टेकिंग यस, शॉर्ट न करें, प्रॉफिट टेकिंग करें। एक सवाल लेते हैं, अमोल घुले हमारे साथ नासिक से जुड़ रहे हैं। अमोल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। सर मेरा कैम्स में 100 क्वांटिटीज 2587 का बाइंग है और 1 ईयर के होराइजन से देख रहा हूँ, तो क्या मैं होल्ड करूँ कि अभी क्या करना चाहिए? सरवन बताइए क्या करना चाहिए कैम्स में? देखिए यहाँ पे मेरा थॉट ये है कि अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक है और एक मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर करेक्शन तो चल रहा है, स्पीकर खोल दो यार। फाइनल बेस बनने की यहाँ पे अभी मुझे नहीं लग रहा है कि अभी फाइनल बेस बना है, तो ये जो अभी पीछे हमने जो लोज रखे थे आई थिंक 2150 के आसपास वो कहीं चैलेंज हो जाएंगे और टूट भी जाएंगे, तो आई थिंक अभी तो यहाँ पे मेरी लेने की राय नहीं रहेगी कैंप्स में। ओके, इसकी राय यहाँ पे नहीं रही, चलिए एक और कॉलर लेते हैं। योगेश साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से। योगेश जी नमस्कार, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? योगेश जी सवाल पूछिए अपना। नहीं, योगेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए ट्विटर से एक सवाल लेते हैं, यहाँ पे कई लोग सवाल जानना चाहते हैं। 5000 EIH के शेयर लिए हैं मयंक ने, EIH। सरवेंद चार्ट देखिए इसका, इंजीनियर्स इंडिया राइट? या इंजीनियर्स इंडिया नहीं, EIH, ईस्ट इंडिया होटल्स। ईस्ट इंडिया होटल्स, जी जी। 174 वाला भाव है, वही वाला, यही वाला जी। देखिए एक बहुत बढ़िया, मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया यहाँ पे एक रैली हो चुकी है और गए क्वार्टर का जो बंद आया वो हल्का सा मेरे हिसाब से लाल निशान रहा क्वार्टरली सेटअप में, तो आई थिंक यहाँ पे
जब रेंज जो ट्रेड होगी वो तकरीबन रहेगी 180 से 160, तो अपने अपनी रेंज के अपर एंड पे जाके आया है और मुझे लगता है कि नीचे में 155 60 155 160 के लेवल्स यहाँ पे आएंगे एज लॉन्ग एज 180 के ऊपर ये डिसाइसिवली जा नहीं पा रहा है। तो मेरा रुझान यहाँ पे है कि 10-1% 8 से 10% का करेक्शन यहाँ पे पॉसिबल है, और अगर बेच के ले सक जिनके पास है वो अगर बेच के ले सकते हैं तो वो बढ़िया रहेगा, या तो अगर इसको लेने का इरादा है तो 155 160 के लेवल्स हैं वहाँ पे ट्राई करें। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।